पुराने इंजन और टायरों को देखकर कुछ नया बनाने का ख्याल शायद ही किसी को आता है। अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं कि पुरानी चीजें घर से हटा दी जाएं या फिर बेच दी जाएं। लेकिन एक किसान का बेटा पुराने कबाड़ से नया ट्रैक्टर बना गया। जी हां, 12वीं के छात्र ने बनाया एक लख टकिया ट्रैक्टर जो खेत के सारे काम बड़ी आसानी से कम खर्च में कर सकता है। यह है बुरहानपुर के छपुर गांव में रहने वाला होनहार छात्र वीरेंद्र माहेश्वरी। वीरेंद्र ने गरीब किसानों के लिए अपने हुनर से एक सौगात पेश की है। ये सौगात ऐसी कि आम किसान अब एक करिश्मे की वजह से खास किसान बन सकता है। जिस किसान के पास अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर किसी सपने की तरह होता है, वो किसान अब अपने लिए ट्रैक्टर खरीद सकता है, क्योंकि वीरेंद्र ने कबाड़ और जुगाड़ से बना दिया है एक ऐसा ट्रैक्टर जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। इस ट्रैक्टर को बनाने की लागत बेहद कम, लेकिन इसका काम बड़े ट्रैक्टरों जैसा। बेहद कम खर्च में ये खेत पर बड़े ट्रैक्टरों का काम करेगा। जहां बड़े ट्रैक्टर में एक घंटे की खेती के काम में 3 से 4 लीटर डीजल खर्च होता है, तो वहीं केवल 1 से 1.5 लीटर डीजल में इस ट्रैक्टर के जरिए काम हो सकेगा। जलगांव में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वीरेंद्र ने ये करिश्मा कर दिखाया है। इस खास ट्रैक्टर को बनाने में उन्हें 1 साल का वक्त लगा। मैं जब ये 12 के एंडिंग में था, 12 के एंडिंग में मैंने इसका स्टार्ट कर लिया था और आज कंप्लीट 1 साल हो गया है इसे, और ये कंप्लीट हो गया 1 साल में। इस ट्रैक्टर में इंजन ऑटो का लगा है, टायर मिनी मेटाडोर गाड़ी के हैं, टीन और स्टेयरिंग और कुछ कलपुर्जे कबाड़ से लिए गए हैं, लाइट बैटरी को बाजार से खरीदा गया है। वीरेंद्र ने ये सब बनाने में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वीरेंद्र का मानना है कि दूसरा ऐसा ही ट्रैक्टर तैयार करने में केवल 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। साथ ही वीरेंद्र एक स्पेशल ट्रॉली भी तैयार करने में जुटे हैं, जो कि खेत जोतने, फसल काटने, बीज बोने, फसल काटकर बेचने के काम आएंगे। बड़े ट्रैक्टर से जितने काम होते उतने तो हम कर सकते इससे, पर मेरे अभी मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है बड़े ट्रैक्टर के जितने आते उतने। अभी तो फिलहाल के लिए अभी स्प्रे वगैरह करेगा, बखर करेगा और पॉइंट मार्किंग करेगा फसल बोने के लिए। हाँ, हेवी लोडिंग खींच के ले जा सकता है। हाँ, ट्रॉली वगैरह मैं अभी बनाने वाला हूँ, अभी थोड़ी एग्जाम का टाइम। वीरेंद्र नए ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस खास ट्रैक्टर की खबर इलाके में फैल रही है, उसे देखने के लिए ना सिर्फ भीड़ उमड़ रही है बल्कि वीरेंद्र को अभी से ऑर्डर भी मिलने लग गए हैं। इसके हम अभी ऑर्डर करने की उसको पूरा इच्छा है हमारे लोगों की भी, हम एक ट्रैक्टर और इसको ऐसा बना के इसमें व्यवस्था करने की योजना बना रहे। वीरेंद्र के पिता भी परंपरागत तरीके से ही खेती करते थे, जिनकी कड़ी मेहनत करने के बावजूद ज्यादा पैदावार नहीं होती, किसी तरह घर का खर्च ही चला पाते। अब जब वीरेंद्र ने ये ट्रैक्टर तैयार किया है, वो भी बेहद खुश हैं। खुशी इस बात से कि उसने ऐसा कहा, मेरी तकलीफ को देखते हुए उसने किया, उसने ये भी देखा कि भाई किसान मैं परेशान हूँ तो किसान भी परेशान ही है, क्योंकि मजदूरी भी महंगी गिरती है, हर चीज से खेती महंगी गिरने लग गई है, और ऐसे छोटा मशीन अगर उपलब्ध हो जाए तो किसानों को थोड़ी राहत मिल जाएगी इससे, और उत्पादन भी ज्यादा निकलेगा। वीरेंद्र ट्रैक्टर के साथ ही खेती में काम आने वाले कई सस्ते उपकरण भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वीरेंद्र के कारनामे को देखकर लोगों का कहना है कि इस प्रयास से न सिर्फ उनकी फसलें तो लहलाएंगी, इसका असर भी उनके जीवन स्तर में देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर 5 लाख रुपए खर्च कर ट्रैक्टर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, किसान के लिए इतनी बड़ी रकम जुटा पाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन जो भी वीरेंद्र का बनाया हुआ यह ट्रैक्टर देखता है, उसे ये सौदा बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि 1 लाख रुपए में एक ट्रैक्टर घर लाया जा सकता है। समय के लिए बुरहानपुर से रिजवान अंसारी।